Hey guys, I'm back with another video और आज बात करने वाला हूँ मैं अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में स्विचिंग फ्रॉम एंड्रॉइड टू iOS। ये देखिए मैंने ले लिया है iPhone 13 Pro Max। ये एक iOS है ऑब्वियसली आपको पता ही है। मैं 10 साल से एंड्रॉइड डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ 10 साल से, और 10 साल के बाद एकदम से बस इच्छा हो गई, एक चुल होती ना चुल, बस वो चुल लग गई थी कि iOS पे शिफ्ट होना है। तो बस शिफ्ट हो गए। अब बताता हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स गई हैं, क्या चीज़ें अलग हैं एंड्रॉइड से iOS में आप शिफ्ट होते हैं तो, और कैसा आपका एक्सपीरियंस होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी आज बातें करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बात करते हैं। सो गाइस, दिस इज वरुण एंड वेलकम यू ऑल इन द 175th एपिसोड ऑफ ट्यूसडे टॉक्स। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि पीसी से अगर आपको iOS कनेक्ट करना हो विंडोज पीसी से, तो भैया भूल जाओ, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। iTunes से करो तो कॉर्ड अलग हो जाती है, टाइप सी मिल जाती है, लाइटनिंग केबल मिल जाती है, यूएसबी नहीं मिलती है, यूएसबी अलग से खरीदनी पड़ती है, या फिर कोई सा आप सॉफ्टवेयर खरीदो 2000 रुपये का और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप करो, ये एक प्रोसेस है और उसमें भी एकदम डायरेक्टली नहीं होता है, थोड़ी मेहनत लग जाती है। तो अगर आप विंडोज बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली विंडोज़ यूज़ करते हैं ना, तो आपको आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे मत जाओ, आप एक बहुत बढ़िया सा वन प्लस का प्रीमियम फ़ोन ले लो, सैमसंग का प्रीमियम फ़ोन ले लो, बेटर रहेगा, एंड्रॉयड पे शिफ्ट करो। बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ना डिवाइसेस में, जैसे सैमसंग कैसे बहुत सारे ऑफर करता है, फोल्ड आ गया है उसमें मल्टीटास्किंग होती है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, एप्पल वो नहीं देता है। उसके साथ में अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि आपके एंड्रॉइड से iOS में जो भी आपकी चैट्स हैं वो नहीं आती हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, एक दो आते हैं डॉक्टर फोन और ये अपने वंडर शेयर के एक दो सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके आप थ्रू कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आपके चैट्स हैं वो पहले पीसी में डालो, पीसी में बैकअप क्रिएट करो, फिर पीसी से आईफोन में डालो। सो बेटर है कि न्यू फ़ोन क्लीन फ़ोन उसको उसमें भी यूज़ किए, चैट्स आपकी चले जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपका बिजनेस चलता है या अगर आपको बहुत इशू आता है, तो आप जो इंपॉर्टेंट चैट्स हैं ना उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इमेजेस के फॉर्म में बाद में आप इस पर स्विच कर दीजिए, या उस फ़ोन से इधर आप पहले भेज दीजिए, वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, अगर आप ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफ़र, देखो आज तो कोई शायद ही करता है, बट अगर आप करते हैं तो ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है, ब्लूटूथ सिर्फ ऑडियो डिवाइसेस के लिए होता है। और इसका इतना प्रीमियम फील है ना, इतना सीमलेस कनेक्शन है ना, जब आप iOS को कनेक्ट करोगे किसी भी ब्लूटूथ से, कोई भी ऑडियो डिवाइस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, मल्टीपल डिवाइसेस भी कनेक्ट हो जाते हैं। एंड मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर अपनी कार में ब्लूटूथ से गाने बजाते हो, आप गाड़ी में बैठोगे, फ़ोन आपके बैठते से ही कनेक्टेड रहेगा, आपको पूछेगा भी नहीं और आप डायरेक्टली गाने प्ले कर सकते हो। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज हियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ भी ऐप्स बदलनी है, चेंज करनी है, तो यहाँ पे ना कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, जो iOS का है हमेशा की तरह वही होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि iOS में आपको कस्टमाइजेशन करना ही क्यों है, इतना बढ़िया आपको इसमें डिस्प्ले मिलता है, इतना बढ़िया आपको जो फील है ना आइकॉन्स का, जो क्लैरिटी है कलर्स की, वो आपको इतनी खतरनाक मिलती है, विच इज़ XDR, एंड उसका कोई तोड़ नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई तोड़ नहीं है इसका, कोई इस डिस्प्ले का कोई तोड़ नहीं है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टिल डेट। अब मैं थोड़े थोड़े प्रोज की तरफ में जाते जा रहा हूँ, बिकॉज अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो आप, अगर आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। मेरे को शिफ्ट करना था इस पर क्योंकि मेरे को तो चुल थी, मेरे को एक फील चाहिए था, एक प्रीमियम फ़ोन का फील चाहिए था, और ये बहुत सॉलिड फ़ोन है, बहुत फास्ट है, बहुत ही खतरनाक प्रीमियम फील देता है, स्टेनलेस स्टील की बिल्ड है, हाथ में पकड़ो तो बिना कवर के पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे माई गॉड आपने क्या ही पकड़ लिया हाथ में, इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल फील है आपके फ़ोन का, जो कि कोई भी फ़ोन में नहीं मिलने वाला, आईफोन ही दे सकता, एप्पल ही दे सकता है ये चीज़। अब बात कर लेते हैं मैक, अगर आप यूज़ करते हैं, आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाया था मैक में, मैं रिसेंटली स्विच हुआ हूँ, सो मैक पे जब मैं विंडोज से स्विच हो रहा था मैक पे, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा पर वो बहुत ईजी था। लेकिन एंड्रॉयड का आप फ़ोन पूरा चलाते ही रहते हो, दिन के 5-6 घंटे फ़ोन चलाते हो, तो इट्स लाइक iOS पे स्विच करना थोड़ा सा टफ था, बट बहुत इजीली हो गया वो
कुछ वक्त के साथ वो चीज़ हो गई। लेकिन अब कहानी कहाँ पे पलट रही है कि जब मैक से इसको कनेक्ट करते हैं तो ये तो कोई इशू ही नहीं है, हॉटस्पॉट खुद ही मैक से कनेक्ट हो जाता है। ये एक बात बता दो कि हॉटस्पॉट कुछ टाइम बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है अगर आप एकदम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो। अगर आप गूगल की चीज़ें यूज़ करते हो तो सफारी फारी यूज़ करोगे तो बिंदास हॉटस्पॉट चलेगा, लेकिन आप गूगल की चीज़ें यूज़ करते हो तो दो एक घंटे में थोड़ा सा डिस्कनेक्शन मिल सकता है। लेकिन एप्पल का जो इंस्टेंट हॉटस्पॉट कनेक्ट करने का फीचर है वो डायरेक्ट है, बस वहाँ पे आपको ऊपर जाना है और फ़ोन कनेक्टेड ही है, जोड़ दो बिंदास, कोई टेंशन नहीं, खुद ही जुड़ जाता है फ़ोन में से, खुद ही हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है। नेक्स्ट, कॉल्स आप डायरेक्ट मैक पे उठा सकते हो, कोई इशू नहीं जाता। एयर ड्रॉप विच इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर, अगर आपको कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करना है कितना भी बड़ा हो विद इन सेकेंड्स हो जाता है। एयर ड्रॉप बहुत ही सॉलिड फीचर है iOS के पास जो कि एक स्ट्रेंथ बना देता है। अब बात करता हूँ कैमरा की, इसका कैमरा, मैं DSLR से शूट करता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मुझे इससे शूट करना चाहिए, लिटरली बता रहा है, इट्स सो पॉकेट फ्रेंडली एंड इट्स सो गुड दैट आप बोलोगे कि यार क्या ही कर रहे हैं, या तो मार्क 5D लेके आओ, अल्फा 7 लेके आओ, या फिर इससे काम करो, आपको बहुत खतरनाक मज़ा आने वाला है, कोई इशू नहीं आएगा आपको कैमराज में। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैमरा टिल डेट यू हैव ऑन अ फोन। नाइट मोड तो बहुत ही नाइट विजन मिल, जब रात में कहीं फोटो क्लिक कर रहे हो तो बहुत ही प्यारी लाइट्स आ जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी एक ऐसा मामला है जो एंड्रॉयड में ना, मतलब आप जब फेस अनलॉक करोगे ना एंड्रॉयड में तो आप बस उस पर फेस रखोगे। मेरे पास पहले वन प्लस का डिवाइस था एंड वन प्लस पर मैं फ़ोन को रखता था एंड वो तुरंत अनलॉक हो जाता था। मुझे लगता था कि यार ये सही भी है कि नहीं, अनलॉक कर भी रहा है कि बस देख रहा है और फुल जा रहा फ़ोन, ऐसा कैसे हो सकता है। बट दिस एक्चुअली हैज़ अ सेंसर, दिस हैज़ अ सेंसर, वो कैमरा से करते हैं, सेंसर से नहीं करते हैं, ये करता है सेंसर से। कैमरा के साथ सेंसर का जो कंपैटिबिलिटी है, जो उनका कनेक्शन है, वो बहुत ही बढ़िया है। आप बिल्कुल भी उस बात का फिक्र मत करो कि प्राइवेसी के नाम पे iOS इज़ द बेस्ट। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों की गूगल पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। देखो गूगल पे जब आप डिपेंडेंट रहते हो ना तो ऐसा रहता है कि आपको हर चीज़ गूगल चाहिए, गूगल शीट चाहिए, गूगल प्रेजेंटेशन सही है, सब चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सारी ऐप्स हैं उसमें। लेकिन जो आपको फीचर्स मिलते हैं ना कनेक्टिविटी के इकोसिस्टम वाले, वो आपको सफारी में मिलते हैं। तो अगर आप क्रोम पे जाके गूगल चला रहे हो या गूगल शीट चला रहे हो या गूगल कुछ चला रहे हो, गूगल का शीट इसमें ऐप डाउनलोड करके चला रहे हो, तो लेके ना आपको ना इसके खुद के पेजेस का जो ऐप है, जिसका खुद का जो ऐप है नोट्स का, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर अगर आप मैनेज कर लो तो बहुत बढ़िया, कोई डिफरेंस नहीं है, चलता सेम एंड्रॉयड जैसे, कोई डिफरेंस नहीं आता है। बट एक्सपीरियंस की बात है यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा ही एनहांस हो जाता है उससे। अब बात कर लेते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की। 2 दिन चलता है ये फ़ोन, आज चार्ज करूँ ना तो मेरे को याद भी नहीं है कि ये का फ़ोन कब 50% के नीचे गया था। सुबह चार्ज करता हूँ, शाम पे 50% हो जाता है, मैं फिर उसको चार्ज पे लगा देता हूँ, 80-90 पे निकाल लेता हूँ। बैटरी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है और ध्यान ही नहीं आज तक कि कब ये फ़ोन पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस आपको 1 महीने के यूसेज के ऊपर बता रहा हूँ, अभी तक 50% 45% के नीचे फ़ोन नहीं गया है। और ऐसा नहीं है कि ये ना ही चलता हो, हॉटस्पॉट पूरा टाइम मेरे ऑफिस में इस फ़ोन से कनेक्टेड होता है और वो हॉटस्पॉट से ही काम होता है और बैटरी नहीं जाती है, इतना बढ़िया बैटरी का बैकअप है इस फ़ोन में। अब बात कर लेते हैं कि एक जब आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो कहीं पे आपको ग्लिचेज आ जाते हैं, कहीं पे आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, ऐसा iOS में बिल्कुल नहीं है। ये पैसा ले रहे हैं तो ये चीज़ आपको दे रहे हैं, एक सीमलेस एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जब आप मैक के साथ इस पर यूज़ करेंगे ना, जो भी एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं Apple इकोसिस्टम के बारे में बात करने वाला हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या क्या यूज़र एक्सपीरियंस होता क्या है, वो एप्पल सिखाता है, लिटरली एप्पल सिखाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें ड्यूअल सिम कैपेबिलिटी की। देखिए कुछ कंट्री के वेरिएंट्स आते हैं जिनमें डबल फिजिकल सिम डलती है, जैसे कि सिंगापुर के कुछ वेरिएंट्स आते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में ख़रीदते हो तो इंडिया में आपको एक ई सिम मिलेगा और एक फिजिकल सिम का स्लॉट मिलेगा। तो जो आपकी परमानेंट सिम है ना, जिसको आप नहीं निकालते हैं बार बार फ़ोन में से, आप उसको ई सिम बना लीजिए, वो आपकी परमानेंट सिम रहनी चाहिए। जो आपकी एक सेकेंडरी सिम है ना, जिसको आप कभी चेंज कर सकते हो, आप दूसरे फ़ोन में शिफ्ट कर सकते हो, उसको आप बना लो एज अ फिजिकल सिम,
सजेस्ट करूंगा एयरटेल इंडिया में ईसिम बहुत अच्छा देता है। आई वुड सजेस्ट कि आप एयरटेल की ही ईसिम यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ हैविंग अ जियो की ईसिम। एयरटेल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और एयरटेल इट्स लाइक बहुत इजीली आप ईसिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 प्रो मैक्स यूज करो, 13 प्रो मैक्स यूज करो, डिफरेंस यूं पता पड़ जाता है। जो बेस, जो पंचीनेस, जो क्लैरिटी आपको स्पीकर्स में मिलती है, इट हैज ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स जो वन प्लस देता है, वही वाले डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट है इसमें। लगाने वाला, कान पे लगाने वाला जो स्पीकर होता है ना आपका, जिसको बोलते हैं फ्रंट स्पीकर ग्रिल जो होती है, वहाँ बहुत छोटी सी है, जो फ्रंट स्पीकर बहुत छोटा सा है, बट जब वो आपको साउंड एक्सपीरियंस देता है, माई गॉड, फ्रेंकली स्पीकिंग यू विल बी लाइक भैया क्या ही हो गया। ये देखिए, सो द एक्सपीरियंस इज नेक्स्ट लेवल। जब तक यूज नहीं करोगे ना तब तक किसी की सुनना मत। फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत यूट्यूबर्स से बातें कर रहे हैं, बहुत यूट्यूबर्स से गालियां दे रहे होंगे, बहुत यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि फोन अच्छा है पर बोरिंग फोन है। डूड, यूज इट वंस, फ्रैंकली स्पीकिंग यूज इट वंस, मजा आएगा। थोड़ा थिक है, थोड़ा हैवी है, बट फील जो देता है ये फ़ोन आपको और जो एक्सपीरियंस देता है, नो डाउट नेक्स्ट लेवल है। एक बार ले लो, 3-4 साल आपको कोई ज़रूरत भी नहीं दूसरा फ़ोन लेने की, इतना एडवांस फ़ोन है। अब मैं एक बात कर लेता हूँ आपसे, एप्पल म्यूज़िक और स्पॉटिफाई की कौन सा यूज़ करना चाहिए। देखिए, स्पॉटिफाई आपसे अगर आप पेड यूज़ करते, फ्री तो आप कैसे भी कर सकते हो, पेड यूज़ करते हो, सो पेड में क्या है, 70 मिलियन सॉन्ग्स आएंगे राइट नाउ। एप्पल म्यूज़िक पे 60 मिलियन गाने सारे आते हैं। Spotify पे प्लेलिस्ट के हिसाब से चलता है, Apple Music पे एल्बम्स के हिसाब से चलता है, बट देयर इज अ बिग बट, प्रीमियम ऑफ Spotify बिल्कुल क्लोज नहीं पहुंचता है Apple Music की साउंड क्वालिटी के। इट हैज 3 setups कि आपको 3 type के साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। एंड तो जब भी आप यूज़ करते हैं ना, देखिए, एक होता है इसमें लॉसलेस ऑडियो, ठीक है, एक होता है आपका हाई क्वालिटी, एक होता है हाई एफिशिएंसी, एक होता है हाई रेस लॉसलेस। तो जब आप लॉसलेस पे यूज़ करते हैं, वो आपका पर गाना लॉसलेस 36 MB का डेटा ले लेता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप सेलुलर डेटा पे यूज़ कर रहे हैं तो आप हाई क्वालिटी पे जाएं। जो हाई क्वालिटी है वो 6 MB तक का आपका एक गाने का लेता है, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 256 KBPS का अगर आपका गाना हो तो, उस बिट पे हो तो। अगर आप लॉसलेस पे आते हैं 36 हो जाता है, अगर आप हाई रेस लॉसलेस पे जाते हैं तो सीधे 145 MB का गाना हो जाता है। वो उनके लिए जो डीजेइंग करते हैं, जिनके पास एक मिक्सर होता है, वो डीजेइंग भी इससे कर सकते हैं, उनके पास मिक्सर है, एप्पल का ही सॉफ्टवेयर आता है, डीजे का डालो गाने बजाओ, वो उनके लिए है। वो जो प्रोफेशनल स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं उन लोग के लिए है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉर्मल पर्सन जो इसको गाना सुनना पसंद है, वो वाईफाई उसके घर में है तो आपको लॉसलेस पे सुनना चाहिए, बढ़िया चलता है। और अगर आप गाड़ी में सुन रहे हो तो आप हाई क्वालिटी पे सुनो। स्पॉटिफाई कहीं पास भी नहीं आता है इतनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एप्पल म्यूजिक की, इतना स्ट्रॉन्ग है ये, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि जो लोग बोलते हैं ना कि आई क्लाउड ओनली 5 GB का मिलता है, डूड 75 रुपये महीने के देने हैं, पे कर लो, जितना डेटा लेना है ले लो, 150 GB तक अभी मिल रहा है उसमें। मैं 10 साल से एंड्रॉयड चला रहा था और मैं अब इस पर स्विच हुआ हूँ, तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस वाइज तो मुझे शिफ्ट मिला ही है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं एंड्रॉयड की मिस करता हूँ कि इसमें कुछ भी मुझे कहीं पर भी जाना होता है, इसमें देखो फाइल सिस्टम नहीं होता है तो आपको फाइल में पर्सनली ऐड करना पड़ता है, तो कहीं भी है मुझे वो फोटोज़ ढूंढने हैं तो फोटोज़ में ही ढूंढने, गैलरी में ही ढूंढने, या अलग से ही ढूंढने, म्यूज़िक या व्हाट्सएप पे जाके फाइल्स ढूंढनी है, तो अब अलग से नहीं आपको फाइल सिस्टम मिलेगा, चूँकि एंड्रॉयड का बहुत अच्छा है क्योंकि वो ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर फाइल्स में ज़्यादा प्ले करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपके लिए एंड्रॉयड बहुत अच्छा होगा। सेकेंडली, जब आपको इसमें कुछ भी करना है ना, कोई भी सेटिंग बदलनी है, आपको इसके फ़ोन की सेटिंग में आना पड़ेगा। एंड्रॉयड में क्या होता है, वहीं के वहीं ऑप्शन आ जाते हैं कि आप सपोज़ कॉल में हो, कॉल या कॉन्टैक्ट्स में हो तो कॉन्टैक्ट सेटिंग्स अलग आ जाती है, कॉल सेटिंग्स अलग आ जाती है, आप फाइल्स में हो तो फाइल मैनेजर वहीं पर ही आपको आ जाता है, इसमें ये नहीं होता है। लेकिन एक्सपीरियंस वाइज, यूजेबिलिटी वाइज, आपको बैटरी, आपको एक रिफाइंड एक्सपीरियंस चाहिए हो तो ये सब चीज़ें आपको iOS देगा, लेकिन मैक हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है आपके लिए, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो आप। विंडोज से भैया बहुत दिक्कत है, या तो फिर एक केबल लो, iTunes से डालो, उतना पेशेंस है अगर,
डेफिनेटली आप करो, कोई इशू नहीं है। सो गाइस दिस वाज माय टेक कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, सिर्फ एक्सपीरियंस बताना था मुझे आपको अपना कि कैसे एंड्रॉयड यूज़र आईओएस पे स्विच होता है तो क्या क्या एक्सपीरियंस चीज़ें करता है। नेक्स्ट टाइम कमिंग अप विद अ वीडियो जो आप ज़रूर देखना एप्पल इकोसिस्टम के बारे में कि यार मैक से इसकी कनेक्टिविटी और कैसे आपको चीज़ें करने को मिलती हैं, कितनी ईजी चीज़ें करने को मिलती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट वीडियो। दिस इज वरुण ललानी साइनिंग ऑफ।